हाय एवरीवन वन यहाँ पे मेरा फेस एकदम बिल्कुल क्लीन करके आयु व्हाइट से एकदम क्लीन कर ली हूँ आप कैसे भी कर सकते हो तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ तो फेस वॉश करने के बाद टोनर जरूर अप्लाई करना और उसके पहले मैं फेस वॉश करने के बाद पहले ही मैं आइस क्यूब से अच्छे से मसाज कर ली हूँ ताकि जो भी मेरा मेकअप है लॉन्ग लास्टिंग रहे एकदम से बहुत टाइम तक स्टे करे और बहुत टाइम तक स्टे भी किया था उसके बाद यहाँ पे स्विस ब्यूटी का प्राइमर लगा रही हूँ जो कि जेल प्राइमर है जो कि मैं आज दो तीन प्राइमर लगाऊंगी क्योंकि सारा अलग अलग है और सबका अलग अलग काम है तो पहले मैं स्विस ब्यूटी का ही प्राइमर लगा रही हूँ और आप यकीन नहीं करोगे ये मेकअप मैं अभी एक बजे दो बजे कर रही हूँ और रात के साढ़े नौ बजे तक मैं सूट की हूँ बिल्कुल वैसा का वैसा था प्राइमर लगाने से क्या होता है आपका फेस एकदम सॉफ्ट एकदम अच्छा हो जाता है उसके बाद यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर प्राइमर जो आता है ना एल्यूमिनीटर प्राइमर वो यूज कर रही हूँ क्योंकि ये फुल एच मेकअप है तो मुझे पूरा अच्छे से मतलब आज ग्लोइंग मेकअप चाहिए बेसिकली और वाटर प्रूफ सेट प्रूफ सारा मेकअप हो जाएगा और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तो पहले आपको मैंने जो जो बताया वो वो करना है पहले आइस क्यूब से मसाज कर लेना है उसके बाद आप तो, कोई टोनर लगाने के बाद प्राइमर लगा लो उसके बाद ये एच फाउंडेशन है उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्विस आ, स्विस ब्यूटी का जो एलुमिनेटर आता है ना कलर सेड के अकॉर्डिंग इसमें तो वो मैं मिक्स करके लगा रही हूँ लिक्विड हाइलाइटर है बट ये सेड के अकॉर्डिंग मिलता है तो मैं अपने फेस पे डॉट डॉट करके लगाऊंगी मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी जब भी आप ब्राइडल मेकअप या कुछ भी कर रहे हो तो डॉट डॉट करके लगाओगे तो आपका मेकअप एक तो क्वांटिटी कम लगेगा मतलब पूरा कैकी नहीं होगा और जितना जरूरत है उतना लगेगा और मैं यहाँ पे आई साइडो पे भी लगाऊंगी मतलब आई, आई साइडो जहां लगाते वहां पे ताकि मुझे कट क्रीज या जो भी है उससे आसानी मिले कलर करेक्टर कितना लगाना है उसके अकॉर्डिंग लगेगा तो यहाँ पे अच्छे से रोज वाटर से आप आ, एकदम सॉफ्ट वाला आज मैं ली हूँ ब्यूटी ब्लेंडर जो कि एकदम अच्छा है ये नायका से मैंने मंगाया था बहुत ज्यादा अच्छा है इसके बाद अच्छे से गुलाब जल डाल के मतलब अच्छे से मिक्स करना है ब्लेंड करना है वो भी डैब डैब करके जैसे देख रहे हो और ये बहुत अच्छा मेकअप हुआ था मतलब बिल्कुल क्या की, कहीं से नहीं हुआ था बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था और आईज के ऊपर इसलिए दी हु ताकि मेरे को पता चले कितना कलर करेक्टर उसके बाद लगना है या नहीं लगना है तो मेरी आईज के ऊपर या आईज के नीचे उतना डार्क सर्कल नहीं है उसके अकॉर्डिंग ही मैं लगाना है जो लगाऊंगी तो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ये देखो बहुत सॉफ्ट वाला स्पंज लिया है नेक पे भी जरूर अप्लाई करूंगी क्योंकि मैं यहां स्लीवलेस पहनी हूं और नेक पे भी मेकअप इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इंगेजमेंट लुक मैंने क्रिएट किया है तो इसलिए आप लोग भी ऐसे एंगेजमेंट में रेडी हो सकते हो बहुत इजी है उसके बाद इयर्स पे भी इयर्स पे नहीं भूलना है उसके बाद यहाँ पे मैं जो कंसीलर मेबलिन का लगाती थी थोड़ा सा टूट गया अभी लगाते लगाते तो मैं इसी से लगा रही हूँ इयरबड से पता नहीं जब जल्दी जल्दी में होते हो, तो ऐसे ही होता है बट इससे लग जाता है कोई बात नहीं तो ये रहा कंसीलर जो कि मेरे सेट के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और मुझे कलर करेक्टर लगाने की उसके बाद, बाद जरूरत नहीं पड़ी जब मैं फाउंडेशन लगा ली थी उसके बाद कंसीलर लगा ली तो मेरे जितने भी डार्क सर्कल था सारा मतलब जितना भी था वैसे है नहीं जितना हल्का सा भी था वो भी छिप गया तो इसलिए मैं कहती हूँ जब भी आप फाउंडेशन लगा रहे हो तो आप जरूर एक बार ट्राई करना आपको उसके बाद पता लगेगा कितना कलर करेक्टर लगाने की जरूरत है या नहीं है उसके बाद मेकअप अच्छे से सेट हो गया और उसके बाद यहाँ पे मैं मार्स का जो कॉम्पैक्ट आता है ना बनाना पाउडर लूज बनाना पाउडर उससे मैं सेट करूंगी और डैब डैब करके ही लगाना है आपको भी ना कि मैं वीडियो में कई बार फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ तो आप लोगों को लगता है कि मैं उतना ही स्पीड में लगा रही हूँ नहीं तो आपको डैब डैब करके लगाओगे तो आपका जो भी मेकअप प्रोडक्ट लगा है वो बहुत आसानी से स्टे करेगा और आपको थोड़ा सा गैप देना है जैसे प्राइमर लगाया तो थोड़ा सा गैप दो फाउंडेशन लगाया तो थोड़ा सा गैप दो तो हो जाता है अच्छा मेकअप उसके बाद यहाँ पे कंटूर कर रही हूँ जो कि नोज कंटूर और फेस कंटूर मैं अपने फेस के अकॉर्डिंग ले रही हूँ यहाँ पे मैं फिर भी कह रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा जो नेक पे लगा रही हूँ जैसे मेरा थोड़ा सा डबल चीन आ गया है वहाँ पे इसको छुपाने के लिए तो इसको भी देख लो एग्जैक्ट वैसे ही लगाना है आप लोग कहते हो कि पहले क्या लगा लिया वो मैटर नहीं करता क्योंकि जब भी मैं कॉम्पैक्ट लगाई हूँ आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि मैं जहां कंटूर करती हूँ वहां पे नहीं लगाई हूं तो आपको भी यही करना है और बहुत अच्छे से हो जाएगा और नोज कंटूर और फेस कंटूर करना आजकल बहुत ट्रेंड में है अगर आप पार्लर में जा रहे हो तो पहले आपको कंटूर तो करेंगे करने करेंगे क्योंकि उससे ना फेस जो है एकदम शार्प दिखता है अच्छा लगता है मतलब एक तो आपका फेस और नेक एकदम फेस पतला हो जाएगा देख लेना पहले कैसा था अब कैसा हुआ है मतलब एक बेबी फेस जो कह सकते हो ना एकदम शार्प एकदम कहीं से फेस मोटा ना हो नेक भी बहुत अच्छा हो तो वैसा होना चाहिए अभी देखो डबल चीन पहले दिख रहा था अभी एकदम छोटा बच्चा जैसे एकदम क्यूट सा हो गया है लग रहा है ना एक छोटा मुंह हो गया तो ऐसा ही आपका भी हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे मैं आईब्रो फिल करूंगी यहाँ पे मैं फिर बता रही हूँ मैं ब्लैक कलर का आईब्रो फिल नहीं करूंगी जो ब्राउन कलर का आता है उससे ही मैं फिल करने वाली हूँ क्योंकि मेरे को अभी एकदम नेचुरल चाहिए और ये इससे एकदम नेचुरल होता है ब्लैक कलर का क्या होता है बहुत डार्क हो जाता है तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगता है वही करना तो यहाँ पे अच्छे से करने के बाद इस पुलिस से उससे अच्छे से सेट कर लीजिए जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा तो आईब्रो बहुत अच्छे से फील हो गया है उसके बाद फिर से मैं आईज पे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट दे रही हूँ ताकि जो भी फाउंडेशन लगाते हो कट क्रीज मतलब क्रीज बैठ जाता है वो हट जाए और उसके बाद आईज मेकअप स्टार्ट कर ली आईज मेकअप में स्टार्ट किया हूँ तो जो ब्राउन कलर का सबसे डार्क कलर का आई सेडो होता है ना पहले मैं उसको अच्छे से लगाऊंगी कट क्रीज जैसा बनाऊंगी देख लो तो आप भी ऐसा करना है ना जब कोई भी आई सेडो मतलब अच्छा फंक्शन में कर रहे हो तो आप पहले कोशिश करना की पहले कट क्रीज बना ले डार्क कलर का उसके बाद आप यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्का कलर का पहले हल्का कलर ही पिक किया है उससे ब्लेंड करूंगी जो कि मजेंटा पिंक जो कह सकते हो ना वाइन कह सकते हो हल्का डार्क वाइन नहीं है हल्का ही वाइन लिया है उसको पहले अच्छे से ब्लेंड करूंगी उसपे टाइम दूंगी उसके बाद उस पर डार्क कलर का दूंगी उसके बाद यहाँ पे कट क्रीज मैंने हाफ कट क्रीज किया है तो आप भी कोई कंसीलर ले लीजिए उसके बाद आप फ्लैट ब्रश ले लीजिए जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ एग्जैक्ट वैसे ही करना है आपको और उसके बाद ऐसे मैं इसके पहले बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ कि कट क्रीज हाफ कट क्रीज कितना अच्छे से हो जाएगा तो आईज अब ऊपर की तरफ देखना है और अच्छे से आपका कट क्रीज हो जाएगा बेशक आपका आढ़ा टेढ़ा लगाओ बट ऐसे करने पे ना ऊपर जब देखोगे तो बहुत अच्छे से आपका एकदम एग्जैक्ट जैसे पार्लर में कट क्रीज करके देते एग्जैक्ट हो जाएगा तो मैंने सोचा चलो आप सबके साथ शेयर करना चाहिए मैं बोलती हूँ ना सारा हैक जो होता है वो बेकार नहीं होता तो इसको मैं हैक वीडियो में दो तीन बार शेयर की हूँ तो वही कहती है सारा मेकअप जो है मेकअप हैक है उसमें एक आधी मेकअप हैक है जो अच्छे से नहीं हो पाता है बट कुछ कुछ बहुत काम का होता है यहाँ देखो वही काम किया उसके बाद थोड़ा सा वाणी घर पे थी और जिस दिन शूट करती हूँ ऐसा ही होता है तो थोड़ा सा मैं अलग बैठी थी इन लोग से तो थोड़ा सा वाणी आई थी तो थोड़ा सा प्यार व्यार हुआ वाणी से उसके बाद थोड़ा सा ब्लशर लगाई ब्लशर में लगाते वक्त थोड़ा सा गलती कर दी थी यहाँ पे जब मैं ब्लशर लगाई थी ना तो मेरा ब्रश बहुत गीला था क्योंकि उस दिन मैं पूरा ब्रश को क्लीन की थी तो उसके बाद मैं हैंड से ब्लेंड की हूँ और उसके बाद न्यू ब्रश ले ली हूँ जो ड्राई हो चुका था तो आप हैंड से भी कर सकते हो ऐसा नहीं है कि ब्रश से ही करते हो नहीं मैं बहुत मेकअप ऐसा है कि मैं हैंड से ही शूट करके दिखाती हूँ बहुत बार ऐसा हुआ है जरूरी नहीं है कि आपको दिखावे में ब्रश ये वो आप जिससे कंफर्टेबल है वो आराम से कर सकते हो तो ड्राई ब्रश के साथ में हल्का सा लास्ट में शेड कर रही हूँ अच्छे से उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसको मतलब क्लीन कर रही हूँ क्योंकि ज्यादा नहीं अच्छा लगता है डे मेकअप है और मैं बाहर भी शूट करने वाली हूँ बहुत लॉन्ग लास्टिंग है तो इसलिए जो एक्स्ट्रा था उसको मैं रिमूव कर दी देखो कितना स्मूथ मेकअप हुआ है तो थोड़ा सा इतराना तो बनता है कहते ना जब कुछ अच्छा करो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अपने आप को तारीफ करना या कुछ भी यहाँ पे उसके बाद हाई लगा रही हूँ जो कि मेरा मोस्ट मतलब जितना कह लो उतना ज्यादा कम है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है हाईलाइटर और वो भी एच मेकअप है उसमें हाई तो भर भर के बनता है तो हाईलाइटर जो मैं घर पे बनाई थी वो लगाई हूँ यहाँ पे अगर आप लोग को देखना है तो प्लीज कॉमेंट करना मैं जरूर इस पर शेयर करूंगी क्योंकि ये जो मेकअ हाईलाइटर है बहुत अच्छे से हो गया था तो यहाँ पे जो मैंने कट क्रीज के लिए कंसीलर लगाया था वो ड्राई हो जाएगा उसके बाद ही मैं यहाँ पे येलो आई सेड दूंगी लगाऊंगी तो आप भी कोशिश करना जब भी कट क्रीज बना रहे हो कंसीलर से तो उसी टाइम नहीं लगाना नहीं तो क्या होता है लाइन जैसा हो जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता तो ड्राई होने का वेट करना जब तक कुछ और मेकअप कर लेना जैसे मैंने किया है उसके बाद थोड़ा सा इसमें का जो लाइनर आता है ना जो सबसे महंगा वाला आता है उसका अच्छा होता है बट उसका लाइनर लगाने का वो जो होता है ब्रश अच्छा नहीं होता तो मैंने इससे किया है दूसरे वाले लाइनर से जो कि बहुत अच्छे से हो जाता है उसके बाद आई लेसेस कलर यूज करेंगे क्योंकि जो भी मेरा आई लेसेस नीचे है वो ऊपर के साइड थोड़ा सा हो जाएगा जब भी मैं मशकुरा लगाऊंगी तो एक अलग सा लुक आएगा तो आप भी जरूर ट्राई कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में कैसे करना है तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगी हूँ तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का जो नया वाला आया, मस्करा आया है ना जो बहुत इसके पहले वाला भी मेरा ऐसे मस्करा है बट ये जो नया लॉन्च हुआ है ना जो आंगे के सेट बहुत छोटा छोटा सा और एकदम टेढ़ा है जो कि बहुत आसानी से लग जाएगा इधर उधर बिल्कुल नहीं लगेगा थोड़ा सा महंगा है पहले वाले से तो बट बहुत अच्छे से लग जाएगा आप अगर चाहती हो तो ले सकते हो जो नया लॉन्च हुआ है वो वाला जो कि मुझे बहुत ज्यादा आजकल पसंद है पहले वाला भी सेम है बट थोड़ा सा ब्रश जो है अलग है इसका क्योंकि आप जैसे भी लगा लो अच्छे से लग जाएगा उसके बाद आई लेस लगा ली ले हूँ उसके बाद मेकअप सेट और आई लेस का सेम इसी में वीडियो में अलग से शेयर की हूँ करूंगी अभी एडिटिंग नहीं हुआ है करूंगी जरूर उसके बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेकअप सेट करना उसके बाद जो बाकी है वो कर लूंगी लेकिन जब तक अभी मेकअप सेट कर लूंगी क्योंकि उसके बाद मेरा मेकअप खिल के आ जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ पे लाइनर लगाऊंगी कहते ना जब तक आप मेकअप फेस मेकअप जितना करना था वो कर ली हूँ ताकि मेरा जो मेकअप है वो एकदम निखर के आए उसके बाद यहाँ पे बायोटिक का लाइनर लगा रही हूँ जो कि एकदम पतला लाइन ड्रॉ करूँगी जो कि मुझे पसंद है और मुझे इस लुक में डार्क मोटा मतलब डार्क नहीं पसंद है आपको आपके फेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए तो मेरे फेस पे इस लुक के अकॉर्डिंग ये एकदम परफेक्ट चल जाता है तो आप भी ऐसा ही करना आप अपने फेस के अकॉर्डिंग करना ना कि पार्लर में भी जा रहे हो तो जैसे वो किया नहीं आपको जो पसंद है एग्जैक्ट वही कराना है ना कि जैसे एकदम आ, आई छोटा और बड़ा मोटा में लगवा लोगे या लाइनर तो बिल्कुल बकवास लगता है तो आप कोशिश करना कि आपके फेस पे जो सूट करता है जो आपको पसंद है वैसा ही करना उसके बाद यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर है जो कि मैं अच्छे से लिप लाइनर ड्रॉ करूंगी और इसी से पहले फुल लिपस्टिक लगा लूंगी ताकि जो भी मेरा लिपस्टिक है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और एकदम अच्छा सा शेप मतलब कलर भी बहुत अच्छा है तो इससे ही पूरा लिपस्टिक लगा ली हूँ उसके बाद यहाँ पे पर्पल का मिनी लिपस्टिक है जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग है आप अभी ट्राई नहीं किया हो तो एक बार ट्राई करना ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है आप रिमूव भी करोगे तो इतना आसानी से नहीं रिमूव होगा लेकिन थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो उस पर आप थोड़ा सा लिप बम लगा लेना बट ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है अगर आप चाहते हो कि आपका लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग रहे तो बहुत अच्छा है तो ये बहुत ट्राई करना तो इसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ काजल जो कि एलेटिन का काजल है जो कि मेरा सबसे फेवरेट है आप चाहो तो इसे डार्क कर सकते हो कम कर सकते हो वो आपके हाथ में है कितना डार्क पसंद है क्या है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग काजल होता है आप जेल लाइनर भी ट्राई कर सकते हो बट यहाँ पे मेरे को उतना डार्क नहीं चाहिए था मेरे को जितना पसंद है उतना ही और इस मेकअप लुक में इतना परफेक्ट बनता है तो बहुत अच्छे से हो गया था आप भी एक बार ट्राई जरूर करना का काजल यूज कर रहे हो तो आप सबको पता होगा कितना अच्छे से हो जाता है और ये रहा फाइनल लुक जो कि अब यहाँ से मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा क्योंकि खुद से नेकलेस पहनना और बाल सेट करने के बाद नेकलेस पहनना बहुत टफ काम है तो थोड़ा सा मैं उनका हेल्प ले रही हूँ तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग पूछ रहे थे ना आपके हस्बैंड कितना सपोर्ट करते हैं इस, इसके बारे में क्या करते हैं क्या नहीं इसके बारे में अलग से सेपरेट वीडियो बना दी हूँ अपलोड करूंगी थोड़ा सा जिस दिन टाइम मिल जाए उस दिन अपलोड करूंगी उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे गप सप चल रहा था उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो आगे का जो मैंने कर्ल करना था वो करना है बाकी पूरा हेयर शेड कर ली हूँ आप चाहते हो कि मैं इसका फुल वीडियो बनाऊ तो आप सब बताना मुझे जरूर शेयर करूंगी इसके बाद मैं थोड़ा सा हेयर कर्ल करूंगी जो कि मेरा आगे देखना आप कल था पहले से तो मतलब पहले वीडियो में देखे होंगे तो ऐसे ही कल किया था इसके वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ कल ही इसका शॉर्ट वीडियो बनाया था तो बहुत इजी हो जाता है तो एक बार ट्राई जरूर करना बहुत अच्छे से हो जाएगा तो कैसा लगा मेरे